हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए गाजर की बर्फी की रेसिपी लेके आई। हलवा तो बहुत खाया आप लोगों ने, अब थोड़ी बर्फी भी खा के देखिए। तो चलिए बनाने चलते हैं। ये 1 किलो से कम गाजर है और इसको मैंने धो के साफ कर लिया है। ऊपर की भी कटिंग कर ली है, नीचे की भी कटिंग कर ली है। इसे हमें छोटे छोटे टुकड़े में काटना है। ऐसे करके सभी गाजर को मैं काट लूंगी। गाजर को मैंने काट लिया है, अब मैं इसे इसी तरह काटना है छोटे छोटे टुकड़ों में। अब मैं इसे मिक्सी में डालूंगी। मिक्सी में डाल के मुझे मोटा पीसना है, दरदरा पीसना है, इसमें पानी नहीं डालना। और मिक्सी को हम रुक रुक के चलाएंगे। तो फिर चलिए पीसते हैं। गाजर को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, ऐसे ही मोटा होना चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, उसको मैं बाद में सुखा दूंगी। सबसे पहले ये सूजी है, सूजी को मैं रोस्ट करूंगी। तो गैस की तरफ चलते हैं। गैस को मैंने ऑन कर रखा है, अब मैं सूजी रोस्ट करूंगी। 1 कटोरी सूजी है। फ्लेम स्लो रखेंगे। धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। अब हमारा सूजी तैयार है। सूजी भून गया है, मैं गैस बंद करती हूँ। मैंने पैन चढ़ा रखा है, अब मैं गाजर को भूनूंगी। सबसे पहले पैन में 2 टेबलस्पून घी डालूंगी। अब मैं गाजर को डाल, अब मैं गाजर को भूनूंगी। इसमें जितना पानी है उसको मुझे सुखाना है। धीमी धीमी आंच पे, फ्लेम मीडियम रहेगा। इसमें मैं 1 कटोरी चीनी डालूंगी। अब इसमें पानी छोड़ने लगा, इसको मैं ढक 5 मिनट ढक के पकाऊंगी लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए, अब मैं लीड को खोलती हूँ। कलर भी चेंज हो गया इसका। अब मैं इसमें दूध डालूंगी। ये 1 गिलास दूध है। जब ये दूध सूख जाएगा फिर ये इसका कलर वापस आ जाएगा। फ्लेम को हाई करती हूँ। अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। अब मैं इसमें सूजी डाल दूंगी।
अब मैं इसको ढक दूंगी। ये सूजी सारा जो इसमें मैंने दूध डाला है उसको सोख लेगा। इसको मैं 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे रखूंगी और लीड लगा दूंगी। अब मैं लीड को खोलती हूँ। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून और घी डालूंगी। एक कटोरी मिल्क पाउडर, इसको डाल के अच्छी तरह मिलाऊंगी। इसे अच्छी तरह भूनूंगी। इसमें 1/2 चम्मच छोटी इलायची पाउडर, 1/2 फ्लेम को स्लो करूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे जमाने के लिए रखूंगी। बिल्कुल मिक्सर तैयार है। इसमें मैं 1/2 कटोरी नारियल का पूरा डालूंगी। अच्छी तरह से मिला लेंगे इसको। अब मैं इसे जमाने चलती हूँ। अब मैं इसे जमाने के लिए डालूंगी। थाली में मैंने घी लगा रखा है। मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया। अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। ये बादाम है और काजू के टुकड़े हैं। अच्छी तरह से मैंने इसकी गार्निश कर दी। और मैं इसको थोड़ी प्रेस कर दूंगी। सेट हो गया। मैं इसे जमने के लिए 3 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद इसकी मैं कटिंग करूंगी। 3 घंटे बाद मिलते हैं। बर्फी अच्छी तरह से जम गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको बीच से पहले 2 भाग में डिवाइड कर दें।
बर्फी हमारी जम के तैयार है। ये देखिए टेक्सचर बहुत अच्छा आया है। गाजर की बर्फी बनके तैयार है, बहुत अच्छी बनी है। और आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा बना है। मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।